तस्वीरें बीजेपी प्रदेश कार्यालय की हैं, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और मौजूदा विधायक आकाश विजयवर्गीय के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। करीब 3 बसों में भरकर आकाश विजयवर्गीय के समर्थक प्रदेश कार्यालय पहुंच गए। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजलि गुप्ता और आप देख रहे हैं TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बीजेपी की दूसरी सूची जारी होते ही मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद अब उनके बेटे और मौजूदा विधायक आकाश विजयवर्गीय का टिकट कटने की आशंका पार्टी नेताओं को है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बीजेपी एक परिवार से एक ही सदस्य को टिकट देने की बात कहती है। इसी डर के चलते गुरुवार शाम को इंदौर 3 से बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय के समर्थक बसों में बैठकर अचानक भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंच गए और आकाश के समर्थन में जमकर नारेबाजी करने लगे, साथ ही उनको टिकट देने का दबाव भी बनाने लगे। आकाश समर्थक बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि इंदौर 3 से विधायक बदल दिए जाते हैं, लेकिन आकाश विजयवर्गीय सभी को दिल से जानते हैं और उनके नेतृत्व में यहां विकास की गंगा बह रही है और हम चाहते हैं कि उन्हीं को इंदौर 3 से टिकट दिया जाए। भाई साहब, हमारे 3 नंबर विधानसभा इंदौर के अंदर आती है, उसके अंदर हम एक छोटे मोटे सभी कार्यकर्ता है, उसके अंदर ये होता है कि विधायक बदल दिए जाते हैं। विधायक ये वाला विधायक जो आकाश जी है, इसकी पर्सनल क्वालिटी ये है कि एक एक कार्यकर्ताओं को दिल से जानते हैं और एक एक छोटा छोटा बच्चा तक का विकास होता है। कभी भी दिन में फोन आते हैं और विकास की गंगा बह रही है। इनके पिताजी को टिकट मिल गया, इसलिए देखो कोई बड़ा नेता हो या कोई हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमारा विधायक जो 3 नंबर में दे रखे है, जो बदले जाते हैं, उसके बदले में जो विधायक दिया था, वो विधायक काम कर रहा है। इतने काम कर चुका है कि एक एक दिलों के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर काम करने की भावना जागृत हो गई है और विकास की गंगा बहार है। उसके अंदर ये हो रहा है कि एक एक कार्यकर्ता का ओबलाइज काम और उसके बाद में विकास 3 नंबर में बहुत पीछे हो गया है। जितना काम 3 नंबर में, 3 बार के विधायक, 25 साल का रिकॉर्ड। आकाश जी के समर्थन में आया? हाँ, आकाश जी के समर्थन में आए हैं। आकाश जी को टिकट बड़े क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये मिला है कि अभी आपके लिए विचार करते हैं। प्रदेश कार्यालय में समर्थकों के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव से बंद कमरे में मुलाकात हुई, जिसके बाद समर्थकों को वापस भेज दिया गया। समर्थकों ने बताया कि उन्हें आश्वासन दिया गया है कि उनकी मांग पर विचार किया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि आकाश विजयवर्गीय बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में पहली बार चुनाव लड़े और जीत कर विधायक बने। 2019 में बल्ला कांड के बाद आकाश विजयवर्गीय सुर्खियों में आए थे। आकाश ने इंदौर नगर निगम के एक अधिकारी की बल्ले से पिटाई कर दी थी। इस मामले में आकाश विजयवर्गीय को जेल भी जाना पड़ा था। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नाराजगी जाहिर की थी। पीएम मोदी ने नाम लिए बगैर कहा था कि किसी का भी बेटा हो, अनुशासन तोड़ने वालों को पार्टी से निकाल देना चाहिए। फिलहाल पार्टी ने कैलाश विजयवर्गीय को चुनावी मैदान में उतार दिया है। बेटे आकाश विजयवर्गीय को बीजेपी टिकट देती है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन माना जा रहा है कि अगर आकाश विजयवर्गीय का टिकट कटा तो उनके समर्थक इंदौर में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन जाएंगे।